G20 समिट के लिए जितने भी विदेशी मेहमान भारत आ रहे हैं उनके रहने खाने पीने की खास व्यवस्था की जा रही है। सभी मेहमानों को दिल्ली के 5 से 7 सितारा होटल्स में ठहराया जाएगा और एक ऐसे ही होटल में अभी हम मौजूद हैं जो 8-9 सितंबर के लिए इन विदेशी मेहमानों का आशियाना होगा। ये वो लिविंग रूम की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस लिविंग रूम में किसी देश के प्रमुख आके रुकेंगे और ये जो बैठक की बनावट है वो बहुत सटल की गई है, आरामदायक इस लिविंग रूम को बनाया गया है ताकि जितने भी मेहमान यहाँ पे आके रुके वो आराम से बैठक कर सके। आराम अगर वो करना चाहते हैं तो इस लिविंग रूम में बैठ के कर सकते हैं। और इस लिविंग रूम से जुड़ता है डाइनिंग एरिया। ये वो डाइनिंग एरिया है जहाँ पे डेलीगेट्स जो भारत आ रहे हैं वो आराम से लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं और कोई अगर उनको मीटिंग करनी है तो इस लिविंग जो रूम को और डाइनिंग एरिया को जो जोड़ता है शीशा उसे बंद करके आराम से इसे एक सेपरेट बोर्ड रूम भी बनाया जा सकता है। ये खास इस जो स्वीट है उसकी खासियत है और इस जो डाइनिंग एरिया है इसका जो खूबसूरती बढ़ाता है वो है इसका व्यू। जो व्यू है वो बिल्कुल एयरपोर्ट से एयरपोर्ट का नज़ारा देता है। जो विदेशी मेहमान हैं वो दिल्ली की जो शान है दिल्ली एयरपोर्ट उसे आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। इसके आगे हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे ये विदेशी मेहमान सोएंगे, कहाँ पे ये अपने खाने का आनंद लेंगे। जिस खास मेहमान के लिए ये पूरा स्वीट बुक किया गया है उनकी प्राइवेसी का भी खास ध्यान रखा गया है। जो मास्टर बेडरूम है जहाँ पे वो आके आराम करेंगे अपनी फैमिली के साथ भले वो आए, जब वो इस कमरे में आए तो उन्हें घर जैसा महसूस हो, एक होटल वाली फीलिंग ना आए, इसकी कोशिश जो है रोजिएट स्वीट में की गई है। एक बहुत ही आरामदायक बेड यहाँ पर है। बेड के पास जो है जो एक इंक्लाइंड वाटर है वो रखा गया है। जो ये खास पानी इसकी बात है कि इसका पीएच लेवल जो है वो 7 होता है। ये खास मेहमानों के लिए G20 के लिए जो मेहमान आएंगे उनके लिए रखा गया है। बेड के आगे एक सुंदर सा सोफ़ा दिया गया है ताकि अगर बैठना चाहे तो वो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मनोरंजन के साधन यहाँ पे दिए गए हैं। और इस मास्टर बेडरूम से जुड़ता है ये बाथरूम का एरिया। इस बाथरूम की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो बेहद सुंदर एक मार्बल की फिनिशिंग यहाँ पे दी गई है। मेहमानों के लिए बाथटब की सुविधा यहाँ पे है। और इसके आगे अगर हम आपको दिखाएं तो एक बेसिन एरिया यहाँ पे दिया गया है ताकि जब G20 के लिए मेहमान जाए तो वो आराम से यहाँ पे तैयार हो सके, अपना समय व्यतीत कर सके, जितना भी समय उनके पास होगा G20 के समय। और उसके आगे एक क्लॉजेट एरिया दिया गया है क्योंकि 2 दिन की विजिट रहेगी, सामान बेहद ज़्यादा रहेगा, इसलिए बहुत आरामदायक इनके जो स्टे को बनाने की यहाँ पर रोजिएट की तरफ से कोशिश की गई है। मिलेट्स को सुपर फूड कहा जाता है। G20 के लिए सभी मेहमानों को इस बार मोटे अनाज से बना हुआ खाना परोसा जाएगा। हमारे साथ रोजिएट हाउस के एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं गगनदीप। गगनदीप, आपने रोजिएट ने मेहमानों के स्वागत के लिए क्या खास तैयारी की है, क्या विशेष खिलाएंगे आप अपने मेहमानों को? थैंक यू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने एक G20 डेलीगेशन के लिए स्पेशली हमने एक मिलेट बेस्ड थाली तैयार करी है जो कि 100% मिलेट बेस्ड है। इस राइस इस थाली की जो USP है इसमें कोई भी चावल, गेहूं या दाल का यूज़ बिना करते हुए भी हमने एक थाली कंप्लीट मील बनाई है जो कि 100% मिलेट बेस्ड थाली है। तो इसके मैं एक बार बताना चाहूँगा इसमें थाली में क्या क्या है। मैं स्टार्ट करूँगा ड्रिंक से जो कि एक वेलकम ड्रिंक के तौर पर है। ये बाजरे का राब है जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल राजस्थानी एक सूप की तरह भी सर्व किया जाता है। उसके बाद आप एक कबाब देख रहे हैं, ये हमारा कोडो मिलेट और सब्ज़ की मुठिया है जो एक कबाब के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं हम। कचुम्बर सैलेड है कॉम्प्लीमेंट करने के लिए थाली को। उसके बाद हमारा एक बहुत ही खिली हुई गुंचाव और ज्वार की सब्ज़ी है। सो गुंचाव उर्दू में फ्लोरेट्स को बोलते हैं तो इसलिए वो खिला हुआ फूल का हम फील दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो उसके बाद डिश है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ दो डिश का है, बाटी और दाल का।
बट ये दाल जो है दाल पंचमेला नहीं दाल है, ये पांच अनाज की दाल है, पांच मिलेट्स की दाल है। तो और बाटी जो बनी हुई है वो कंगनी मिलेट की बनी हुई है। तो अगेन बहुत ही ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन है बट वेरी हेल्दी वे में हम परोस रहे हैं इसको। और उसके साथ हमारी एक ज्वार की रोटी है, लहसुन और मिर्च की चटनी भी हम साथ में सर्व कर रहे हैं। जी गगनदीप, मैं रोक रही हूँ आपको, मैं थाली में एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ देख रही हूँ, इसके आप क्या है ये खास चीज़ अगर आप बताएं? ये एक तरीके का पुलाव है बट इस पुलाव में कोई चावल नहीं है। तो बिना चावल का पुलाव? बिल्कुल, इस पुलाव में जो है ये खिले हुए हमारे मिलेट्स ही हैं। तो इसमें चार तरीके के मिलेट्स हैं, इसमें बाजरा है, रागी है, ज्वार है और कोडो मिलेट है। तो ये इस पुलाव का ही संगम है, खिला हुआ एकदम दम लगा के पुलाव को बनाया गया है। साथ में थोड़ा मटर है और कॉर्न है जो कि एकदम आपको मोतियों का संगम की तरह एक नो लुक दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत डिश है ये भी। तो आपने इसका नाम भी मोतियों का संगम इसीलिए रखा है? बिल्कुल, हमारे जो मिलेट्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत मोतियों की तरह ही हैं, तो बिल्कुल वो वैसे ही दिख रहा है। जो मीठे में हम जो दे रहे हैं उसके बाद जो मील को फिनिश करने के लिए, ये हमारा अगेन रागी और तिल और गुड़ का लड्डू है। कोई भी चीनी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, अगेन देखते हुए कि हमारी थाली मिलेट्स है बहुत ही पौष्टिक है, न्यूट्रिशन से भरी हुई है, बैलेंस्ड है, तो चीनी इसमें हमने अवॉइड किया है, गुड़ का इस्तेमाल किया है। अगेन मीठा भी हमारा हेल्दी है इसमें। जी बिल्कुल, रागी ज्वार जैसी चीज़ों में प्रोटीन बहुत होता है, न्यूट्रिशन होता है, तो जो भी मेहमान भारत आ रहे हैं उनके स्वाद के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जो भी खाना परोसा जाएगा उसमें मिलेट्स ज़रूर होगा लेकिन भारत का स्वाद भी होगा। क्या अलग अलग राज्यों की डिशेस भी, लोकल डिशेस जो हैं वो आपने मेन्यू में चुनी हैं? बिल्कुल, जैसे कि हमारा ये 1 सितंबर से ही हमने स्टार्ट किया है, तो हमारा बूफे में जो लंच और डिनर का बूफे लगेगा हमारा डेल रेस्टोरेंट में रोजेट हाउस में, उसमें बूफे में स्टार्टर से ले कर मीठे तक मिलेट्स और नो क्यूजीन को डाइवर्स क्यूजीन हमारी इंडिया के रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी डिशेस हम शोकेस करेंगे। स्पेशल ध्यान हमारा मिलेट्स पे रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली नो 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स, तो वो हम आज से ही हमने स्टार्ट कर दिया। एक साइक्लिक मेन्यू ऑलरेडी रेडी है हमारा जो कि पूरा डेलीगेशन के जाने तक हमारा कंप्लीट शोकेस रहेगा बुफे पे। किसी राज्य की कोई अगर विशेष डिश आप हमें बता सके जो स्पेशल रोजेट बनाई जा रही है? एक तो दाल बाटी का तो पूरा कॉम्बिनेशन जो हमने दिखाया, उसके अलावा हम एक इंटरनेशनल डिश भी परोस रहे हैं क्योंकि कुछ डेलीगेट्स इंटरनेशनल भी दूसरे देशों से भी आ रहे हैं। तो हमारा जैसे रागी का पैनकेक है, हमारा एक किनुआ अवोकाडो का सैलेड है, हमारा एक टॉफी पुडिंग है जो कि अगेन ज्वार के साथ बनाई गई है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे कंप्लीट मेन्यू डिज़ाइन करा गया है जो कि हमारे गेस्ट को नो शोकेस किया जाएगा। तो मेरा आप सवाल ये आपसे ये है कि जो भी ये मिलेट्स आ रहा है, मोटा अनाज आ रहा है, वो कहाँ से लाया जा रहा है होटल्स में? बिल्कुल 100% लोकली सोर्स किया है हमने, तो हमने टाई अप किए हैं हमारे लोकल फार्मर्स के साथ, होलसेल मार्केट के साथ, जो कि हम डायरेक्ट उनसे सोर्स कर रहे हैं। तो इन अ वे हम सपोर्ट कर रहे हैं सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर भी अपने किसानों को, कि उनको भी हम प्रमोट करें साथ ही साथ। तो जो जो खाना परोसा जाएगा G20 के मेहमानों को, वो लोकल किसानों से उसका अनाज लिया जा रहा है ताकि G20 से जो आसपास के दिल्ली के एरिया हैं उन्हें भी फ़ायदा हो और जो स्वाद है वो बिल्कुल ऑथेंटिक रहे, भारत के टेस्ट के अनुसार रहे। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ अनामिका गढ़।